नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एक विधि के बारे में। तो पहले तो हम जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा यानी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें कैसे काम आती है। अब मान लीजिए आप दुकान पे गए और वहाँ पे आपको दुकानदार ने बोला, आपको माँ ने कहा था कि 2 किलो शक्कर लेके आना, ठीक है। तो दुकानदार ने आपसे कहा कि बेटा 100 रुपये किलो शक्कर है, यानी कि 100 रुपये की 1 किलो शक्कर मिलेगी। अब आपको, आपने दुकानदार से बोला 2 किलो पैक कर दीजिए, तो उनने 2 किलो शक्कर दे दिया आपको, तो आप कितने किलो, मतलब कितने रुपए उसे दोगे? 200 रुपये दोगे। तो आपके दिमाग में जो ये लगाया कि अगर 100 रुपये की 1 किलो मिलेगी यानी मुझे 2 किलो चाहिए, यानी मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके दिमाग ने लगा लिया फटाफट। और वही जो अपन ने विधि लगाई, जिससे अपन ने निकाला, उसी को एक एक विधि कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया इसका इस्तेमाल। तो आइए अब इसके प्रश्न करते हैं, ताकि आप इसे अब अपनी किताबों में भी समझ सके कि कैसे हैं, ठीक है। बोला है कि यदि 6 जूस की कोण का मूल्य 210 रुपये, यानी जो 6 जूस के कोण है उसका मूल्य जो है वो 210 रुपये, तो बताइए 4 कोण का मूल्य कितना होगा। एक तरीका है कि आप निकाल लीजिए कि 1 कोण का मूल्य कितना होगा, फिर उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैं अपने और सरल करके बताऊं, तो मान लीजिए कि 8 पेंसिलों का मूल्य 16 रुपये, ठीक है। तो बताइए कि 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो पहले आप पता कर लीजिए कि 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, फिर उससे 2 पेंसिल का मूल्य निकाल लीजिए। तो अगर 8 पेंसिल का मूल्य 16 रुपये, तो 8 × 16 यानी 2 रुपये की 1 पेंसिल है। अगर मेरे को 2 पेंसिल खरीदनी है तो मुझे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 2 × 4 रुपये, ठीक है। तो ये हो गई एक सरल विधि, जिसमें अपन ने पहले 1 का मूल्य निकाला, फिर उससे अपन ने जितनी संख्या का दिया है उसका मूल्य निकाला। ये एक तरीका है। बाकी मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा प्यारा शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगी, जिससे आपको जो उत्तर है वो भी जल्दी निकलेंगे, और ये कोई गलत तरीका नहीं, बहुत सही है, ठीक है। पहले हम ये जो एक एक विधि है इससे समझेंगे। तो बोला इस प्रश्न को हर करने के लिए सर्वप्रथम हम 1 केन का मूल्य पता करेंगे और फिर 4 केन का मूल्य निकालेंगे। तो 6 जूस के केन का मूल्य कितना है, 210 रुपये। तो 1 जूस की केन का मूल्य कितना होगा, 210/6 यानी 35 रुपये। तो 4 जूस की केन का मूल्य कितना होगा, 4 × 35 बराबर 140 रुपये। इस विधि से हम पहले इकाई का मान निकालते हैं, फिर ज़्यादा इकाइयों का, मतलब एक से ज़्यादा जितने। अब आप एक सरल तरीका देखिए, 6 केन का 210, तो 4 केन का ए मान लिया मैंने कि ए होगा कुछ। तो अब अपन इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस यानी उल्टा पुल्टा, यानी 6 का करेंगे ए से, यानी 6 × a, और फिर 4 का गुणा करेंगे 210 से, तो 4 × 210, ठीक है। तो अपन ने वो निकाला और फिर ये गुणा में तो उधर जाएगा, आपने सीखा ही होगा, तो नीचे बटे में चला जाएगा। फिर आप इसे काट सकते हैं, पहले इसको 2 से काटा, तो 2 × 4 2 × 3 6, फिर 3 को काटा, 3 × 7 21 और 0, तो ये 7 बचा और इधर 2 7 और ये 0, 7 × 14 और 140, तो ऐसे करके ए की वैल्यू आ गई। आप इसको जितना अभ्यास करेंगे आपको उतना पक्का होएगा, और इससे सरल विधि तो कोई सी भी नहीं हो सकती है। मैंने सीखी थी, तब से मैं ऐसे करके निकालते हैं तो उत्तर आता है, पर अपन समय क्यों ख़राब करें जब अपन समय बचा सकते हैं। वैसे भी समय सबसे कीमती चीज़ है ना। आगे देखते हैं, निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। आइए, क्या बोला है, समय करण द्वारा तय की गई दूरी और कृति द्वारा तय कर की गई दूरी। अब दोनों ने मान लीजिए 2 घंटे लिए, और करण 2 घंटे में 8 किलोमीटर चल गया है ना, और कृति केवल 6 किलोमीटर चली। तो अब आप बताइए कि वो एक एक घंटे में कितना चले। तो पहले देखते करण, तो करण अभी ये जो उत्तर दे रखा है, पर अपन फिर भी करेंगे कोशिश कि करण को 2 घंटे में वो 8 किलोमीटर तय की, यानी उसने 1 घंटे में 8/2 यानी 4 किलोमीटर तय की होगी, है ना। ये तो सरल लंबा अंक है, तो अपन ने फटाफट कर लिया। अब ये देखते हैं, कृति ने 2 घंटे में 6 किलोमीटर तय किया, तो 1 घंटे में कितना तय किया होगा, यानी 2 का आधा 1 हुआ, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये देखो 3 आ गया, और ये जो तरीका मैंने अभी सिखाया उससे भी कर सकते हैं हम। 2 का 6 तो 1 का कितना होगा, मतलब 1 घंटे में वो ए तय करी, तो 2 × a और 6 × 1 यानी 6, फिर ए इधर लिखा और 2 नीचे बटे में चला गया, तो 2/2 = 6, 3 आ गया, मतलब 3 इसका उत्तर है यहाँ, तो ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर उसने 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय किया, ये देखो इससे
एक घंटे में उसने देखो 4 किलोमीटर तय की है, तो आप बताइए 4 घंटे में वो करंट कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16 तो 16 आ गया। अब इससे करके देखते हैं, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे में ए करेगा, तो 1 × a × 4 चौक 16, तो ए का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ऐसे करा, फिर अब बोला है कि देखो कृति ने 1 घंटे में 3 किलोमीटर तय किया, तो बताइए 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय करेगी। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर तय किया, तो 4 घंटे में 12 किलोमीटर, तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, और ये देखो ये तरीका मैंने यहाँ फिर से लिखा है, आप इससे भी कर सकते हैं। कुल मिला के अपने को उत्तर निकालना है, ये तरीका बिल्कुल गलत नहीं है जो मैंने किया है, और इस मतलब तरीका वही है, दिखाने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, तो बताइए 30 दिन में वो कितने रुपये कमाएगी। समझ रहे, 10 दिन में वो 3000 कमा लेती है, यानी 10 दिन में मैंने लिख दिया यहाँ 3000। आप ऐसे कर लो कि 1 दिन में कितना कमाती है, फिर वो जो 1 दिन में जितना कमा रही है उसका 30 से गुणा कर दो, तो 30 दिन वाला आ जाएगा। पर अपन ऐसे करेंगे, 10 दिन में वो 3000 कमा रही है, तो 30 दिन में ए कुछ कमाएगी, कुछ ए यानी अपन एक शब्द रख दिया जो उससे अपन समझ सके, तो 10 × a = 30 × 3000। अब 10 नीचे चला जाएगा और ए इधर रह जाएगा, तो 0 से 0 से 0 कटा, 3 × 9 और ये 0 0 0, यानी 9000 रुपये कमाएगी वो 30 दिन में। अगला देखते हैं, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, तो बताइए आपकी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। अब देखो इस सवाल में आप पहले एक पुस्तक का भार निकालो, यानी 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम, यानी 9/72 यानी 1/8। ठीक है, फिर उससे अपन करेंगे 40 का गुणा, तो भी 5 आएगा। ऐसे करके देखते हैं अपन जो ये वाली विधि है, तो और भी सरल है। 72 पुस्तकों का भार है 9 किलोग्राम, तो 40 का ए, तो 72 × a = 40 × 9। अब 40 में गुणा 9 का किया, और नीचे जो है अपन ने बटे में 72 लिख दिया। अपन काटा पीटी मचाने में तो होशियार हैं, तो अपन ने फटाफट से यहाँ काटा पीटी मचाई, और ऐसे करके अपना उत्तर आ गया 5। तो अपनी ये वाली जो एक विधि थी अपन ने वो दिमाग में लगाई और यहाँ फटाफट उत्तर निकाल लिए। तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।